तो भैया नमस्कार, दरअसल बात यह कि आज हमारा कॉलेज का पहला दिन, तो फिर एक्साइटेड होना तो बनता है। और आपको तो बताइए, कोई इवेंट हो या फिर कोई जर्नी या फिर कुछ स्पेशल हो, मैं मेरे भाइयों के बिना नहीं जाता। यानी कि आप लोग तो फिर जल्दी जाके तैयार होते हैं, क्योंकि पहले दिन ही लेट होना अच्छा नहीं लगता ना। भाइयों बहनों, मैं नहाकर साबुन उबुन लगाकर पूरा एकदम फिट हूँ। तो भाई, जैसे कि आप लोगों को बताया, आज है अपना कॉलेज का पहला दिन, और कॉलेज के पहले दिन जाके अगर अपना रोला नहीं जमाया तो क्या ही किया। लेकिन स्टैंड आउट करने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। और आप लोगों को क्या ही बताओ, पिछले तीन पीढ़ियों से यही यूनिफॉर्म पहन रहा हो। आई मीन हाई स्कूल में भी ये, हायर सेकेंडरी में भी, और अब कॉलेज में भी ये। लेकिन भाई, रोला जमाने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये चश्मा लगा के जाओ क्या? नहीं यार, एकदम छपड़ी लग रहा है, क्या करूं ऐसा भाई। एक सेकंड, एक चीज है। ओ जय बप्पाजी, क्या कहते हो भाई, इससे पहले दिन ही अपना दबदबा बन जाएगा कि नहीं कॉलेज में? अरे भाई रिलैक्स, ये टॉय गन है, वो भी पीछे से टूटा हुआ है, इधर से भी टूटा हुआ है, प्लास्टिक है, जस्ट चिल और चिल। और भाई, एज यू नो, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड इन स्कूल डूइंग फाइट विद एनीवन, बिकॉज़ एवरीवन नोस हाउ काम, हाउ इनोसेंट आई एम। आ रुक, तो फिलहाल दोस्त का कॉल है, वो लोग रुके हुए, जल्दी चलते हैं। तो भाई देख रहे हो, अपने बंदे पूरा फिट फाट कॉलेज के पहले दिन के लिए। देखो भाई, आज है कॉलेज का पहला दिन, तो एंट्री कैसे मारेंगे? फुल स्वैग से। कैसे स्वैग से? पूरी बाबे दिया मेर, जट डोंट केयर, जट डोंट केयर बेबी, जट डोंट केयर। तो यार, अगर इससे ज्यादा स्वैग दिखाया तो हॉलीवुड वाले बुला लेंगे। इससे अच्छा होगा कि बिलाल क्लास में चलते हैं, ठीक है जी? तो भाई, ये रहा अपना क्लासरूम। तो भाई, इसमें इतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में रहता भी है तो साला टीचर निकल लेता है। तो फिर चलिए आप लोगों को हमारे छोटे से शहर का छोटा सा कॉलेज दिखाते हैं। तो भाई नमस्कार, क्या आप लोग एक्साइटेड हो कॉलेज के पहले दिन के लिए? तो भाई, हमारे मामा जी का बहुत मत, घर पास में जब भी मन करे भाग के जाके खाना खा के आ सकते है कि नहीं मामा जी? अरे हम भी तो जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। साला क्लास 9 पे मुझे बोला था चाय पिलाएगा, लेकिन आज हम कॉलेज में आ चुके, लेकिन आज तक इस साले ने हमें चाय नहीं पिलाया। हाँ मामू जी, माला नहीं, तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है जी? और देखो भाई, कॉलेज के पहले दिन लोग एक्साइटेड के साथ साथ थोड़ा पैनिक भी करते हैं, लेकिन हमारे मामले में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जूनियर से लेकर सीनियर तक सभी हमारे जान पहचान वाले ही है। तो भाई, आपको हमारे जूनियर से मिलाते हैं, ये देखो हमारा राजा भाई, इसको तो पहचानते ही हो आप लोग, बाकी कुछ है वो क्लास में बैठे है कि नहीं, और तू बाहर की घूमते। तो फिलहाल आप लोगों को हमारे सीनियर से मिलाते हैं। मैं कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, और मैं तैयारी चल रही है, लेकिन जब हमने हाई स्कूल में पहले दिन एडमिशन लिया, गांधी जी के साथ जो सीन हुआ, क्या ही बताओ। गांधी जी, जरा बताइए। क्या ही बोलूं भाई, वो पहले दिन ही जब एंट्री के बाद वो टीचर ने जब जो धुलाई किया था ना, वो भी इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ, वो पहले ही तब वो लड़की इतना सुंदर सुंदर थी, बाद में जब वो चुड़ैल हो गई क्लास में रहते रहते, लेकिन उन लड़कियों के सामने जब पिटा ना, वो तो दिल मतलब भाई, प्रेयर के वक्त इतने सारे लड़की भी सामने, लेकिन हम दोस्त होने के नाते हमें इतना मजा आया, इतना मजा आया, क्या ही बताओ भाई, मजा ही आ गया। लेकिन आज भाई का दर्द जाने वाला है, ऐसा वेलकम मिलने के बाद भाई मूव ऑन करने वाला है। आज मूव ऑन हो गए भाई। तो भाई, हमारे कॉलेज के पहले दिन हमारे वेलकम के लिए फिलहाल प्रोजेक्टर में क्या चल रहा है पता है? मेरा देश इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच।
तो भाई फिर तेरा प्रोग्राम होता है, फिर टीचर और स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन होता है और बात करें क्लास की लड़कियों की, कोई फायदा ही नहीं ये टॉपिक उठाने की, क्योंकि इस टॉपिक में बात करने लायक कोई लड़की है ही नहीं। तो भाई इन सालों ने कॉलेज के पहले दिन मुझे काम पे लगा। আসলে ছেলে ভালো শুধু রাতে একটু খায়, আসলে ছেলে ভালো শুধু রাতে একটু খায়। তো ভাই চলো ফিলহাল যাকে পেড় কে নিচে বেঠ কে থোড়া আড্ডা মারতে হ্যায়। তো ভাই পুরানে वाले স্কুল কে দিন याद आते কি না? বহুত ओवर एक्टिंग का गुतम 50 रुपया काट इसका ओवर एक्टिंग का। याद है ना वो बैक बेंच में बैठ के जो कहता दिया कि मारा किया था, बहुत मारा था मैंने क्लास में। इसका 60 फाड़ दिया करता था ये पेन से। ये मेरा 60 फाड़ता था, मैं इसको बहुत मारता था। नहीं सब कुछ छोड़ो ना, हमारे मामा जी इतना चुप बैठे हैं कि पता है कि वो स्कूल वाले प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं। है कि नहीं? क्या बात है, स्कूल वाले प्यार को मिस कर रहे हैं। वो भाभी है ना, उसके बच्चे भी हो चुके हैं अभी। टुकरा के मामा का प्यार इंतकाम देखेगी। वैसे हमारे गांधी जी किसे मिस कर रहे हैं फिलहाल? नाम कुछ है बता। बीटी देता दी एंड आई म्यूट मारी जेटी देता व्हाट्स मो। तो भाई हमारे गांधी जी किसे मिस कर रहे हैं वो तो देखते हैं। अरे आदमी के भाभी लेकर मिस करते थे कर भी तो सोच रहे हो भाई, देख रहे हो भाई, सोचने का उसे टाइम चाहिए। किसको किसको मिस कर रहा है भाई, समझ सकते हो? किसको कर रहा है फिलहाल? तो मैं खाने को मिस कर रहा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी। इनामिना टीका किसको? तेरी माँ को। तू तेरे बंदी को मिस कर रहा है? मैं बंदी नहीं है वो है। और तुम लोग तुम्हारे बंदियों को मिस कर रहे हो? बंदी है मैं, लेकिन ये इसकी बंदी मेरी बंदी। कंप्यूटर क्लास। और हमारे राजा भाई किसको मिस कर रहे हैं? लेकिन मैं भाई ये सब बंदी बंदी नहीं बनाता, मैं बनाता हूँ सीधा बीबी, जो कि फिलहाल अभी बना नहीं है, जब बनेगा तब देखा जाएगा। ये बंदी कब बनाता है? वीडियो ज्यादा बनाता है। हाँ मैं बनाता हूँ सीधा बीबी, क्योंकि ये 2 दिन का प्यार के कोई फायदा नहीं, बीबी बनाओ लाइफ टाइम साथ देगा। हमारे विक्सपन भैया बोल बोल बोल, कुछ दिन के बाद विक्सपन भैया हमारे जेल में होगा, क्योंकि क्योंकि बालों की बाकी 21 नहीं है ना। लेकिन जो भी कहो यार, स्कूल वाले दोस्त छूट गए हैं कि नहीं? लेकिन सबसे मुझे गुस्से का ये लोग क्या कर रहे भाई? हे आप लोग क्या कर रहे हो? एक मिनट डरा ना दे दो। तो भाई दोस्ती देख रहे हो, ये साला पढ़ता है दूसरे कॉलेज में, दूसरे सिटी में, लेकिन चला आया हमारे कॉलेज में हमारे साथ अड्डा मारने। देख रहे हो समोसा खाने के लिए। सुमन हमको समोसा खिलाएगा इसलिए आ गए हम। सुमन दो जन मुझसे आने के सुमन गाने ना। सुमन तो फिलहाल हम लोग का प्लानिंग चल रहा है दूसरे कॉलेज में जाके जाके घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे करोगे तो करोगे। लड़की ओ तुम्हारे मर्जी, तुम्हारा अगर फेस देख के पट गया तो पट गया, नहीं तो पटाना नहीं है, देखना है ना बहुत अच्छा लगा। चले जाना मेरे साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उधर का डॉन हूँ, लुक एंड डॉन। लोकल है भाई इधर, मतलब टॉपिक चल रहे अपने पुराने यादों को ताजा, लेकिन ये दोनों ये मामा भांजा क्या खुराफती आइडिया बना, मतलब खिचड़ी बना रहे हैं अपने सर में, ये लोग ही जानते हैं। कॉलेज में बंदी पटाना पड़ेगा इस बात को लेके टॉपिक चल रहा है। तुम पुराना बात भी हम फ्यूचर से ही वो गांधी क्या बोल रहा है पता है? अभी फिलहाल मैं घर ही गिफ्ट नहीं करने वाला हूँ, मतलब बंगाली आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन गांधी अभी किसको घड़ी देने की बात कर रहे हैं, मेरे कानों पे आ चुका है बात, अभी इसे हम निकालेंगे। भाई आपका जो सोच वो गलत सोच रहे हैं, ये भिखारी मुझसे ये वॉच मांग रहा है कि नहीं खरीद के लाया मैंने।
ऐसा तुम सोच सकते हो, मेरे पास क्या नहीं है। वो मेरे हमारे हमारे भाई लोग बताएंगे। इसको देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? ओ भाइयों भाइयों, इसको देख के आप लोगों को क्या लग रहा है? हमारे ऑडियंस बताएंगे या फिर तुम लोग बताओगे? इसके चेहरा देख के क्या लग रहा है? ये कॉलेज वाला बैंक चोरी करने आया है लग रहा है। हमारा कॉलेज में कोई बैंक ही नहीं है। बैंक नहीं, बेंच बेंच डेस्क बेंच। सॉरी सर, डेस्क बेंच। हाँ ये देख रहा हूँ। ओ भाई सबसे बड़ी बात है, ये कलो पहले दिन आके बेंच तोड़ दिया। हाँ, आके बेंच तोड़ दिया साला इसने। सबसे बड़ी बात क्या है कि ओमिकल में कोई लड़की से देख लिया, ये तो पूरा डायरेक्ट कलवा बोल देता है इसको। अरे भाई, ये कोई तो पहचान है हमारा, कोई तो पहचान है। बंदे बस गोरा है ना, भाई आप गा हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इसके दिल में इतना सारा लड़कियां है, क्या ही बताओ। अगर अगर एक शायरी है तक बताओ। दिल तो सबके पास होते हैं, दिल वाले नहीं। आज जो कि इसके पास ना दिल है ना दिमाग है। बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। अभी इन दोनों के बीच में दारू पीने की प्लानिंग चल रहा है, और भाई का पेट भी भर चुका है, तो समझ सकते हो आप लोग। बहुत गर्मी लग रही है इसको, पेट भी भर नहीं। समझ रहे हो आप? कुछ समझ रहे हो? बिना स्क्रिप्ट ऐसे कोई कुछ भी बोल रहा है। इसको इसने वो वाला वीडियो नहीं देखा, इसलिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आज आप लोगों का कॉलेज का पहला दिन, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है आप लोगों का फ्यूचर, जो मेरे हाथ में है। और अगर आप लोगों का आपका फ्यूचर चाहिए तो फिर ये है मेरा इंस्टा यूजर, जाके फॉलो करके किसी भी रील पे कॉमेंट कर दीजिए। मेरा भविष्य आप लोग के डीएम पे चला जाएगा, आप लोग का भविष्य। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे। धन्यवाद।